हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम आपके साथ पैंट प्लाजो में साइड में पोटली बटन इस तरह लगाए जाते हैं उसका पूरा तरीका शेयर करेंगे। ये इसमें बहुत ज्यादा मतलब काम नहीं होता, लेकिन ये इजीली बन जाते हैं और पहने हुए ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये प्लाजो पैंट मैंने बनाई है, तो इसमें ये वाला डिजाइन मैंने बना लिया है। तो इसके अंदर से ये लगते हैं और ये बाहर की साइड लगते हैं, मतलब जो हमारी पैंट की बाहर वाली साइड होती है उसमें लगते हैं। तो एक एक साइड मैंने लगा लिए हैं, अब दूसरी साइड में आपको लगाना बताऊंगी। जैसे कि ये मेरे पास है पैंट, मैंने इसको जोड़ लिया है पैंट को, तो यहाँ पे मेरा फोल्ड होना है। जो ये वाला हिस्सा है इतना, ये नीचे वाला फोल्डिंग वाला कपड़ा है, ये ऊपर का कपड़ा, यहाँ पे हमने सिलाई लगाई हुई है। तो जो सिलाई है यहाँ पे मैंने 7 इंच छोड़ के लगाई है। ये यहाँ का गैप है जो फोल्डिंग के ऊपर तक का, ये 7 इंच मैंने छोड़ा है। आप यहाँ पे 8, 9, 10 कुछ भी छोड़ सकते हैं, जितने लंबे आपने यहाँ पे पोटली बटन लगाने हैं। और बटन लगाने के पहले आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपने बटन बाहर की तरफ लगाने हैं तो उनकी शेप, मतलब ये ना हो कि दोनों हमारे अंदर को ही आ जाए या दोनों बाहर को चले जाए। आपने सेटिंग कर लेनी है कि इनकी जो साइड है वो दोनों पैंट में, दोनों लेग्स में बराबर होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने छोटे छोटे निशान लगाए हुए हैं, इस साइड हमारी पोटलीज लगेंगी और ये हमारी ऊपर वाली साइड है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये है मेरे पास पोटली बटन, ये मेरे पास मैचिंग कपड़े के हैं। तो ये कैसे बनते हैं, इसको बनाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में आपको बनाकर दिखाते तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। तो सभी लोग कहते हैं कि आप वीडियो थोड़ा लंबा ना करें, देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये बनाने का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लें। चलिए अब हम ये वाला डिजाइन बनाना शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। अब यहाँ पे जहाँ पे ये एंड है हमारा 7 इंच, अब यहां से हमने एंड से शुरू करना है। जो ये पोटली बटन है ये देखिए, इसको हमने इस तरह रखना है, ऐसे नहीं रखना आपने, मतलब ये बाहर की तरफ नहीं रखना, इसे आपने इस तरह अंदर की तरफ रखना है। और जो ये सिलाई है जहां पे हमारी एंड पे आई हुई है, वहीं से हम इसको बिल्कुल एंड पॉइंट पर इस तरह रखकर सिलना शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपने मेंटेन कर लेना है। यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा वो 1 इंच का रहेगा। 1 इंच के डिस्टेंस पे हम यहाँ पे 1 से 1/4 इंच का कर लीजिए। जैसे 7 है, 7 में अगर आप 1/4 इंच का डिस्टेंस करते हो तो 10 पीस हमारे लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम 10 पीस लगा लेंगे, इसके 10 पोटलीज लगनी है इसमें, तो 1/4 इंच का ये डिस्टेंस रहेगा। अब इसी तरह हम 1/4 इंच के गैप पे लगाते जाएंगे। और आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं इन बटन्स को, पोटली बटन्स को मैं डबल फुट से ही लगा रही हूँ, सिंगल फुट से। कई लोग कहते हैं कि हमारे सिंगल फुट से ही लगते हैं, डबल से नहीं लगते हैं, तो आपके सामने ही है, देखिए हमें डबल फुट से ही लगा रही हूँ इसको। तो आप डबल फुट से इसे इजीली लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने पोटली बटन को अपने हाथ से थोड़ा रोक के रखना है, उसको हिलाना नहीं है, ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा इस तरह स्टेबल रखेंगे तो उसके बाद ये सिलाई इजीली लग जाती है। जैसे आप काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी हमारे 3 और लगने हैं, 8, 9, 10, तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा कवर हो जाएगा यहाँ पे। और एक ये जो हमारा कट लगा है एंड में, जहां पे हमने फोल्ड करना है, एक इसके बिल्कुल सामने लगा लेते हैं। पोटली बटन को इस तरह इसके बिल्कुल सामने रखते हैं और लगा देंगे। अब ये बटन हमने यहाँ पे लगा लिए हैं, तो ये कपड़ा है जो ऊपर का, यहाँ पे अब जहाँ पे 7 इंच का हमने निशान लगाया था वहां से अब सिलाई लगाना शुरू करते हैं। अब जो पोटली है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए और जो इसका ये एक्स्ट्रा वाला है वो इधर होना चाहिए सिलाई की। आपने सिलाई में इसको इस तरह ध्यान से लेना है, इस तरह टच करके लें, ताकि जो पोटली पोटली है वो हमारी बाहर रहे, बाकी का जो एक्स्ट्रा है सारा वो इस तरफ आ जाए सिलाई के अंदर। तो इसी तरह हम इसको चेक करते हुए सिलाई लगा लेंगे एंड तक। अभी ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो ये वाली सिलाई है हमारी इस साइड की, इसको भी खोल लेते हैं, क्योंकि इसको हमने अच्छी तरह सेट करना है। तो थोड़ी सी सिलाई हमारी खुली होनी चाहिए जहां तक हमारे ये बटन्स लगे हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारी इस तरह के पोटलीज लगकर रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है, जब इनको आपने लगा लिया है, लगाने के बाद अब इसकी सेटिंग करेंगे कि आपने इस साइड को रखना है कि इस साइड को रखना है। तो वो आपने देख लेना है दोनों पैंट का हिसाब।
अब इस तरह हमने इसकी साइड इस तरफ रखनी है, दूसरे वाले प्लाजो की, दूसरी वाले लेग की हमने इस तरफ रखी है, इसकी इस तरफ रखेंगे तो ये हमारे बराबर आ जाते हैं। अब जहाँ से हमारी पोटलीज लगी हैं वहाँ पे हमने इसको सिलना है इसके ऊपर से, ताकि ये एक साइड को सेट हो जाए। तो इस तरह हमने पोटली के बिल्कुल साथ साथ एक सिलाई लगा देनी है। तो आप ये देख सकते हैं ये पोटलीज हमारी इस तरह सेट हो गई हैं। अब हमने नीचे का हिस्सा फोल्ड करना है इसका, जो एक्स्ट्रा है। अब नीचे का हिस्सा फोल्ड करना है तो अब पहले हम थोड़ा सा हिस्सा इस तरह फोल्ड करते हैं, फिर हम जहां पे हमारा कट है वो वाला हिस्सा इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। और यहाँ पे अब जो पोटली है उसका जो एंड है, ये देखिए पोटली का जो एंड है वहां तक फोल्ड करेंगे इसको इस तरह। और इसके ऊपर अब हमने तुरपाई करनी है, ये हमने मोटी सिलाई लगा देनी है यहाँ पे, तुरपाई करेंगे इसके ऊपर। तुरपाई करने से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। ये लीजिए, ये हमारा अब इस तरह पोंचा रेडी हो गया है, यहाँ पे एंड पे आ गया है इसका एक पोटली। अब हम इसको करते हैं फोल्ड। फोल्ड करने के बाद अब आपने पोंचा रखना है। पोंचा जैसे कि मैं यहाँ पे 5.5 इंच का पोंचा रख रही हूँ, 5.5 इंच पोंचा रखने के बाद हम इसकी साइड में लगा देंगे सिलाई और इसको दे देंगे फिनिशिंग। अब मैं इसको दूसरे पोंचे के साथ नाप लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसके बराबर इसको निशान लगा लिया है। निशान लगाकर इसको अब हम यहाँ पे सिल देंगे। तो लीजिए पोंचा हमारा बनकर रेडी है, प्लाजो का डिजाइन तैयार हो गया है। इसको मैं सीधा करके आपको टोटल दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको थोड़ी प्रेस कर दी है और ये सेटिंग कर चुकी हूँ मैं इसकी, आपको मैं दोनों साइड दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही प्रिटी हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है और पहना हुआ मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको ये डिज़ाइन हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आगे हम किसी नए डिज़ाइन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।